अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम मैजिक चैनल के साथ मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम मैजिक चैनल, आपका अपना होम। तमाम देखने वाले नाज़रीन को अमर ज़ुबैर की जानिब से ईद उल फितर मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब जो है बहुत ही खुशी से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि जितने जोश से और जितने खुलूस से हमने माह रमज़ान को गुजारा है और अपने रोज़े की, अपनी इबादत की, तो ईद मनाना तो हम सब पर फ़र्ज़ है। लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, आज मैं मौजूद हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में, और मुर्शिद हॉस्पिटल में मौजूद होने का मकसद है कि मुर्शिद हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो तमाम कंसल्टेंट हैं, वो ईद के तीनों दिन भी जो है अपनी ईद सेलिब्रेट यहाँ पर आकर कर रहे होते हैं अपने मरीजों के साथ। आज हमारे साथ जो है कंसल्टेंट पीड्स डॉक्टर अफीना मौजूद है। डॉक्टर अफीना से बात करेंगे कि वो ईद वाले दिन जो है अपना घर छोड़कर मुर्शिद हॉस्पिटल आई है, तो वो किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर अफीना, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत खैर मुबारक। डॉक्टर अफीना, कैसा लगता है कि ईद के दिन जो है आप लोग हॉस्पिटल आ रहे होते हैं, वो भी मरीजों के साथ ईद मना रहे होते हैं, तो क्यों मना रहे होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। अच्छा देखिए, मतलब हम नहीं आएंगे तो फिर और कौन करेगा? एग्जैक्टली, हम नहीं तो और कौन? तो ईद के डेज भी मुर्शिद हॉस्पिटल वर्किंग है हमारा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, NICU, ICU, बच्चों का जो पीजा ICU है, सब वर्किंग है। जितने भी सिक पेशेंट्स हैं सब एडमिटेड हैं, सबका उसी तरह ख्याल रखा जा रहा है जैसे नॉर्मल डेज में होता है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है, कोई न्यू पेशेंट आता है, तो वो ER में आएगा, उसको उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे नॉर्मली आता है। तो इट्स नॉर्मल फॉर सर। ये तो आपने अपने डॉक्टर होने के फ़राइज़ अंजाम यहाँ पर दे दिए। अब माशाल्लाह से आप एक हाउस वाइफ हैं, मदर भी हैं, तो अपनी फैमिली को कैसे आप टाइम दे पा रही होती है ईद के टाइम में? मॉर्निंग इधर, इवनिंग जो है वो घर पे होती है, फिर घर वालों के साथ होती है। लेकिन ईद का मतलब सुबह सुबह होता है। तो फिर हर जगह कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। घर वालों को शिकायत होती है कि आप डॉक्टर हैं तो क्या मतलब है, घर के मरीजों को छोड़ के आप बाहर के मरीजों को देखेंगी? नहीं, सबको पता है कि जो है डॉक्टर हैं, और ऑब्वियसली बच्चे जो होते हैं, मैं क्योंकि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ, और बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, और मेरी फील्ड ही जिस पर मैं काम कर रही हूँ वो एक बहुत क्रिटिकल फील्ड है। उसमें मैं जिन पेशेंट से डील करती हूँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो उनमें जो है हम लोग इस तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो तो पेशेंट्स हमने देखनी है। ज़बरदस्त डॉक्टर अफीना, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप भी पहले लड़की रही होंगी, उसके बाद वाइफ, फिर मदर, पहले जब आप लड़की थी किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट किया करती थी? अच्छा, तो हम तो जब लड़की आपका पुराने जमाने में लेके जाते हैं, तभी हम जो है वो अभी ऐसा कंसल्टेंट तो ये होता है कि हम मॉर्निंग में होते हैं, इवनिंग में चले जाते हैं। बट जब हम PGs होते थे, हाउस ऑफिसर्स होते थे, अपनी ट्रेनिंग करते थे, तब तो हमारी पूरी 24-30 hours की कोर्स है। तो ईद हमारी अब हॉस्पिटल में ही गुजरती है, चाहे वो एज अ लड़की हो के। अब बस बचपन की जो ईद थी वो घर पे गुजरी है मेडिकल से पहले पहले, अदरवाइज तो। और वैसे वैसे अमूमन जो है क्या रूटीन रहती है ईद के हवाले से मैं बात करूँ? ईद के दिन तो सुबह उठ के वही नमाज पढ़ते हैं, और फिर शीर खुरमा तो बनता ही बनता है, शीर खुरमा करके फिर जो है गाड़ी लेने आ जाती है, फिर आप लोग मुर्शिद हॉस्पिटल आ जाते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के हवाले से हम मज़ीद जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है इन्वायरमेंट होता है यहाँ? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के एडमिन बहुत अच्छी है, तो एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो मज़ा आता है काम करने में। सही, और बाकी के आपको पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं कि जिस तरह से आपने मैनेज करना है, तो आप पेशेंट को अपने मैनेज, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की कि आपको फुल कॉन्फिडेंस होता है बैक, तो आप अपनी मर्जी से आप बहुत अच्छे से फिर और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर अफीना, अमूमन ईद जब आती है तो लोग जो है खाने पे अपना हाथ बहुत ज़्यादा खोल देते हैं, खुदा ना खासा कभी कोई ऐसे केसेस किस तरह के आ रहे होते हैं पीठ से रिलेटेड? अच्छा, पीठ से ये होता है कि एक तो गैस्ट्रो यानी कि डायरिया बच्चों में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, बेएहतियाती होती है खाने पीने में, फिर बच्चे होते हैं बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, एक वो चीज़ होती है। सेकेंडली ये कि ईद में ना नॉर्मली स्पेशली ER में आपका जो है ओवरऑल बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि जो आसपास के छोटे मोटे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं वो सब बंद होते हैं, तो आपकी जब इमरजेंसी खुली होती है
तो सारे पेशेंट लोड यहाँ आ जाते हैं. तो नॉर्मल डेज से हमारे पास ईद के डेज में ज़्यादा लोड होता है. सिक पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं और नॉर्मल वैसे पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं, क्योंकि ओ पी डीज बंद होती हैं तो यूजुअली बच्चे जो है उनको लेकर यार ही जा आ रहे होते हैं. और बड़ा बंदा होता है तो फिर भी सेल्फ मेडिकेशन कर लेता है, लेकिन बच्चों के उसमें लोगों का एहतियात भी करना चाहिए कि डॉक्टर के मशवरे से ही दवाएं इस्तेमाल करें. और वैसे भी जो है बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं. तो इस वजह से जो है पीट्स का जो है ओवरऑल लिस्ट ज़्यादा ही हो जाता है. सही डॉक्टर अफीना बीन और डॉक्टर, आप जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं ईद के हवाले से और साथ साथ सेहत के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो सबको मैं ईद मुबारक कहूँगी और बस यही मैसेज दूँगी कि ईद अपनों के साथ मनाएं और सेहत के साथ मनाएं. ज़बरदस्त, इसी के साथ नाज़रीन मैं चाहूँगी अपनी होस्ट अब्बा ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त. इसी तरह से भरपूर खुशियों से भरपूर ईद मनाइए. अपनी दुआ में हमें याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.